हितरागाय नमो हितरागाय नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो आयरियारम नमो वस्यारम नमो वस्यारम नमो लोए सब साहुनम नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पाभक प्रणासनो सर्व पाप प्रणासनो मंगलानंच सव्ये सिं मंगलानंच सव्ये सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदान जय सच्चिदान प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तैतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रिय स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग और सहायक संयोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ
हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। आप सब सत्संग सुनते हैं? आप सब सत्संग सुनते हैं हमारा? आपको सत्संग सुनना ऑनलाइन देखा? ऑनलाइन देखा? ऑनलाइन यूट्यूब में देखा नहीं? हाँ यूट्यूब। टीवी में देखा है? टीवी में अभी तक नहीं, लेकिन वो टीवी के एपिसोड यूट्यूब पर आते हैं। आप भी सुनते हो क्या? पहली बार है? आप सुनते हैं? मैं भी सुनता हूँ यूट्यूब पे। आप अगर सुनते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ वो दुनिया के हर धर्म से अलग है, और जो आप सुनोगे तभी मालूम होगा, नहीं तो मालूम कहने का मतलब इसलिए है। आप जिस परंपरा को जानते हो धार्मिक परंपरा को, ये धार्मिक परंपरा की बात नहीं है, ये आध्यात्म की बात है। आध्यात्म की बात सिद्धांत पर होती है, सनातन सत्य पे होती है, कुदरत के कानून पे होती है, जो कभी परिवर्तन। और धार्मिक बात वो सांप्रदायिक होती है, श्रद्धा के मार्ग पे होती है, और हर समय 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 पे उसके नीति नियम परिवर्तन भी होते हैं। तो दोनों एंगल क्या है? अलग है। यहाँ परिवर्तन होता रहेगा, या सांप्रदायिक बात है और सबकी मान्यता क्या है धर्मों में अलग अलग है। यहाँ आध्यात्म विज्ञान की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, कुदरती कानून की बात है, तो सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकती है, और परिवर्तन भी नहीं होगी। तो दोनों की एंगल क्या है? तो इसीलिए मैं सत्संग में भी कई बार देश विदेश में कहता हूँ कि जो भी नई व्यक्ति आती है तो उनको कहो कि मेरा दो चार सत्संग सुन के आए, ताकि उसको मालूम हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी एक मान्यता होती है, धार्मिक मान्यता अलग होती है और आध्यात्म विज्ञान अलग बात है। तो यहाँ धार्मिक मान्यता की कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यह आध्यात्म विज्ञान जो है, यह आध्यात्म विज्ञान, ये विज्ञान हमारा नहीं है, और ना ही विज्ञान में हमको कुछ करना है। मगर ये दुनिया और सृष्टि और ये हमारा मन वचन काया रूप जीवन, कर्म और कर्मफल, ये सृष्टि कैसे चलती है, इसको सिर्फ समझना है। क्या करना है? समझना है। करना कुछ है विज्ञान की तरफ से, विज्ञान को अनुभव करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप समझे? मगर धर्म में सब कुछ करना है, विज्ञान में करना नहीं है। तो हमारे तीर्थंकर भगवान भी यही बताते हैं, हम 24 घंटे मन वचन काया से मुक्त रहते हैं। किसे मुक्त रहते हैं? फिर मन वचन क्या, काया क्या करती है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसको तो एक दिन जला दिया जाएगा, मगर हम जलने वाले अगर हम इससे जुड़ गए तो इनको जो होगा वो हमको भी होगा। अगर जुड़ गए तो अलग रहते हैं तो इनको जो कुछ भी होगा वो तो उदय कर्म के अधीन है, मगर हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम क्या हो गए?
और अलग हो गए, राग द्वेष भी नहीं होगा, कसाई भी नहीं होगी, कर्म भी नहीं होंगे, बराबर है कि नहीं? तो इसमें भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, क्रियाकर्म, पूजा पाठ, ऐसा कोई चीज आती नहीं है। तो ये बात को समझना पड़ेगा। और हमारे हर तीर्थंकर के पास यही विज्ञान था, इसीलिए कोई भी तीर्थंकर है, कोई भगवान की बात नहीं कही, कोई गुरु की बात नहीं कही, कोई मंत्र की बात नहीं की, कोई मंदिर की बात नहीं की, आप समझने, कोई रिचुअल्स की बात नहीं की। तो ये क्योंकि उसको मालूम है, यही तो धार्मिक संसार है। क्या है? यही तो धार्मिक संस्कार संसार है। क्या है? जैसे बाह्य संसार है, ऐसे धार्मिक संस्कार संसार है। धर्मम भी एक संसार है, धर्म से भी पाप पुण्य होता है। अगर मैंने धर्म किया तो पुण्य हुआ, नहीं किया तो बोला पाप लगेगा आपको, कहते हैं कि नहीं करते? तो धर्म भी पाप पुण्य से जुड़ा हुआ है और ये बाह्य संसार भी पाप पुण्य से जुड़ा है। अध्यात्म में पाप पुण्य नहीं है, पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पाप और पुण्य की जरूरत इसको है, किसको है? मन वचन काया को। और हमारा पुरुषार्थ है कि मन वचन काया को प्राप्त ही नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्राप्ति नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मोक्ष में जाना है। मोक्ष में पाप पुण्य की जरूरत है नहीं है। तो ये हमारा गोल है। क्या है? तो गोल जो है उसी के मुताबिक हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? हमको मोक्ष में जाना है और यहाँ जाएंगे पाप पुण्य बनाएंगे तो फिर क्या होगा? जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा ये लास्ट बर्थ है, अभी भी बर्थ तो होने वाला है, मगर हम ये कह चाहते हैं कि मेरे जीवन में अगर जाने अनजाने से जो कुछ भी कर्म बन रहे हैं वो कर्म का फल हमको यही चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों की प्राप्ति, और कुछ संसार की डिमांड नहीं है, क्योंकि गोल हमारा फिक्स हो गया है। अभी हमको सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन डिमांड नहीं है, उदय कर्म के अधीन मिले वो एक अलग बात है, हमारी खुद की डिमांड नहीं, क्योंकि गोल बदल गया। क्या बदल गया? गोल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यस स्वामी जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पाप और पुण्य दोनों नहीं होंगे तो ही हमारा मोक्ष मार्ग खुलेगा। समझ नहीं रहे? पाप पुण्य वहां तो जन्म मरण कंपलसरी है, पुण्य है तो भी है, मोक्ष मार्ग के लिए तो अपना बिल्कुल पुण्य की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पुण्य की जरूरत, जीरो, बिल्कुल पाप की जरूरत नहीं, दोनों में से दोनों जीरो चाहिए, दोनों जीरो चाहिए तो ही अपन मोक्ष मार्ग। पाप होगा तो भी जन्म लेना पड़ेगा और पुण्य होगा तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट है। जब नील हो जाएगा तो मोक्ष होगा, मोक्ष होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए, लायक और सहायक, आप समझे, बिल्कुल संसार के लिए लायक सहायक नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। बहुत बढ़िया, सभी तीर्थंकर राजकुमार थे, राजमहल में पैदा हुए थे, राजमहल में पैदा हुए थे, ठीक है। कोई व्यक्ति गरीब के घर में पैदा नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं हुए थे, क्यों? क्या उसकी भावना थी कि मेरे को राजमहल मिले? नहीं, वो तो उनका कर्म फल था। नहीं, कर्म फल कहोगे तो कर्म ऐसे किए थे उन्होंने कि मेरे को राजघराना मिले, बोलिए। भावना की थी, मोक्ष
उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया और साधना की। मेरा कहने का मतलब यह है कि तीर्थंकर कभी ऐसे मांगेंगे कि मेरे को नेक्स्ट बर्थ में महल चाहिए? हाँ, मैं प्रश्न ये करना चाहता हूँ। मैं वही तो आपको प्रश्न करना चाहता हूँ, बाद में उत्तर दूंगा आपको। वो तो उन्होंने छोड़ के वो नहीं, मगर मिला क्यों? उनका पुण्य है, पुण्य तो किया होगा तभी ऐसा पुण्य से मिला हो। समझाओगे आपको, उनकी जो पुण्य की क्वालिटी होती है वो क्या होती है? सिर्फ अपने आप में रहना। मगर वो पुरुषार्थ के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? पुरुषार्थ के रूप में। लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं है, उसके आगे तो पुरुषार्थ है। आत्मा में रहेंगे उसको भी पुरुषार्थ कहेंगे, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, आत्मा में रहते हैं। अगले अवतार की बात करता हूँ। लास्ट बर्थ में तो आत्मा हो गए, तो अभी रहने की जरूरत नहीं है। उसीलिए मैंने कहा लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही स्व स्वरूप खुला हो जाता है 100% और प्रतिष्ठित आत्मा होता नहीं है, जिसे पुरुषार्थ करते हैं वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? जरूरत नहीं है। जब जो पाना था वो माता के गर्भ में से ही पा लिया, फिर पुरुषार्थ ही नहीं करना है तो उसकी जरूरत क्या है? और शरीर तो मिलेगा, जो कर्म बंध लिया है तो भुगतान के लिए तो मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मगर पुरुषार्थ नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कर्म भी नहीं बनेगा। मगर अगले अवतार में जो मैंने पुरुषार्थ किया आत्मा में रहने का, उस समय मेरे को संसार की कोई भावना नहीं थी, मगर मैं आत्मा में रहने का जो पुरुषार्थ किया था, इससे सभी प्रकार के अज्ञान नष्ट हो गए। क्या हो गए? अज्ञान नष्ट हो गए। और इसीलिए मेरा जो भावना थी पुरुषार्थ की, उसका जो क्रेडिट मिला, वो क्योंकि मेरा तीर्थंकर का बर्थ था लास्ट बर्थ, और इसीलिए इतने अनुकूल संजोग दिए कुदरत ने मेरे को, मेरी हाई प्रकार की पुण्य की क्वालिफिकेशन से, पुण्य की जो क्वालिटी होती है, इससे मेरे को माँ बाप भी ऐसे मिले, राजा रानी, महल मिला, नौकर चाकर सब कुछ मिला। मगर ये मेरी डिमांड नहीं थी, आप समझो पहले, मेरी डिमांड नहीं थी और मेरी पुण्य की क्वालिटी थी कि मेरे को मोक्ष में जाना है तो संसार बढ़ाना है, पैसा कमाना है, परिवार को चलाना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मिला जरूर मगर सब्जेक्ट नहीं था। तो इसीलिए मेरे को सब कुछ हाई क्वालिटी का मिला, मगर वो भी भुगतान के लिए नहीं। क्या बताया? मेरे पुण्य का फल के रूप में नहीं मिला है, मगर मेरी डिमांड से नहीं मिला है, मेरे क्वालिटी ऑफ कर्म से मिला है। और मेरी डिमांड में संसार था ही नहीं। क्या नहीं था? संसार कहाँ जाने का था? मोक्ष। फिर भी मेरे को मिला हाई क्वालिटी के संजोग। और जब मेरे को मिला तो मैं पैदा भी हुआ, बड़ा भी हुआ, मगर क्योंकि मेरी डिमांड नहीं थी, तो जब मैं दीक्षा लेके चला जाता हूँ तो कभी पूछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैंने मांगा भी नहीं था, तो मैंने छोड़ा वो भी सब्जेक्ट। मगर जिन्होंने मांगा था कि मेरे को महल वैभव सब कुछ मिले, और पुण्य है तो मिलेगा भी, मगर जब चला जाएगा तो दुख भी होगा। इनको जब प्राप्त हुआ तो सुख नहीं, और जब छोड़ दिया तो छोड़, उसकी डिमांड भी नहीं थी ना। तो ये बात समझना है। सभी तीर्थंकरों को ये तो राजकुमार या राजयोगी मिला है सबको? अच्छा, ऐसा हर एक चौबीसी में होता है? हर चौबीसी के तीर्थंकरों को यही मिलता है, कुछ कुछ मिलता उसके है। पुण्य ही ऐसे ना, पुण्यानुबंधी पुण्य होती है हाई क्वालिटी की। वो इसको भौतिक नहीं बोला जाता है। क्या नहीं बोला जाता है? भौतिक नहीं। ये आध्यात्मिक की आपकी जो भावना की क्वालिटी उतनी हाई क्वालिटी की है कि इसके मुताबिक आपको ये बाहर के संजोग मिलते हैं, ताकि आप अपने आप में 24 ओवर्स रह सको, क्योंकि वो आपकी भावना है।
नहीं तो आप छोटे घर में पैदा होते तो खाना पीना कपड़ा सब कुछ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप समझे? तो वो आपको पाप पुण्य से नहीं मिला, हाई क्वालिटी की आध्यात्म की भावना थी अगले अवतार में, और वही ज्ञान में आपको लास्ट बर्थ में रहना है। तो आपको बाकी की सब सुविधा देना वो कुदरत का काम है, मगर वो उसका वो डिमांड है नहीं। उन्होंने तो यही मांगा था, बस मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो चाहिए, जो भी है वो। आप समझे? और उसी के अनुरूप इनको संजोग मिला, घर के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, खाने पीने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा, मुझे ऐसा थोड़ा सा याद है, मैंने ऐसा एक बार सुना है तीर्थंकरों को जिस किसी भी ने भी देखा है उनको मोक्ष हुआ है उस समय। तो गलत बात है, गलत बात। तीर्थंकरों को तो कितने हम सब देख कर आए, कितनी बार इनका दर्शन करके आए, उनकी देशना में बैठ कर आए, उस समय हमने माना नहीं होगा उनको। मानना न मानना अलग बात, आपने कहा देखा है तो फिर देखने का मतलब फिर मानने मानने के बाद क्या है? जब आपने कहा देखा है तो फिर मैंने मैंने मोदी साहब को देखा है, मानू ना मानू अलग, देखा तो है। तो देखना एक अलग बात होती है, मानना न मानना अलग बात। मानना मानना का मतलब पहचान, पहचान एक अलग बात होती है, देख तो कोई भी सकते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य होगा बस और कुछ नहीं। उनकी अंतर दशा जो है, अनुभव दशा, केवल ज्ञान की, तो केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, मगर जो केवल दर्शन जो उसके उदय कर्म में है, क्या है उदय केवल दर्शन उसके उदय कर्म में है, मतलब उनको पूरा संसार ये पांच तत्व, पांच तत्वों से दिखता है, और छठा तत्व है आत्मा। सभी अवस्थाएं पांच तत्वों से दिखती है, इसीलिए न राग होता है न द्वेष होता है, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, न भीख है न भय है। आप समझे? तत्व से दिखता है, क्या है तत्व से दिखता है। तो इसीलिए हमने भी यही कहा कि ये दुनिया को आपको छह तत्वों से समझना है। कितने तत्वों से? छह तत्वों से पूरी दुनिया बनी है, इसमें एक तत्व है चेतन, बाकी पांच तत्व है जड़। तो यही छह तत्वों को समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा विज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि छह तत्व ही कुदरत है, और वो कुदरत कुदरती कानून से काम करती है, और वही कानून से कुदरती रचना बनती है। सूर्य चंद्र स्टार ग्रह नक्षत्र भरती ओठ तेजी मंदी दिन रात ठंडी गर्मी बारिश सब सब कुछ होता है। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्म विज्ञान क्या है। आध्यात्म विज्ञान और कुछ नहीं है, ये दुनिया का सनातन सत्य है, बस सनातन सत्य है और कुछ नहीं है। और अगर ये जान लेते हैं तो फिर राग द्वेष नहीं होते। ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ है, और जब जला दिया जाएगा तो पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, हम तो जलने वाले नहीं है, फिर इसके लिए राग क्यों और द्वेष क्यों?
और इसके साथ जुड़ी हुई साधन संपत्ति सत्ता के लिए राग की ओर जब शरीर ही नहीं है तो शरीर के संयोग तो हम हो नहीं सकते, तो फिर शरीर के लिए और संयोगों के लिए क्या हमको राग द्वेष करने की अंदर जरूर है? नहीं। जब शरीर जला दिया जाएगा तो शरीर के साथ जुड़ी हुई सब चीजें छूट जाएगी क्या? नहीं छूटेगी। तो इसके लिए राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, तो इसके साथ जुड़े हुए संयोगों के लिए राग द्वेष करने की जरूरत है? नहीं, नहीं। यही विज्ञान कहती है, विज्ञान यही कहता है कि तुम मर वचन काय से मुक्त हो, यही कहता है ना। तो मुक्त हो तो मुक्तता की अनुभूति करो ना, मगर बार बार इनके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि हमारी जो रमणता है, रमणता वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और यही रमणता के अंदर हमारा जीवन। समझ में आया? तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं संसार की रमणता मत करो, मुक्तान जो है शरीर को होने दो। रमणता का मतलब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत, ज्यादा सोचने से कोई फर्क नहीं होगा, इसको रमणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी वही बातों को बार 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 दोहराना, इसको रमणता बोलते हैं। सामने आया और चला गया संजोग, खत्म हो गई बात, सुख मिला दुख मिला जो भी मिला मान्य है, मगर ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान के अंदर सामयिक प्रतिक्रमण भी नहीं है। क्या नहीं है? सामयिक प्रतिक्रमण नहीं। शरीर को करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, मगर करे तो भी उदय कर्म और नहीं करे तो भी। इसको पुरुषार्थ का टाइटल साइंस में नहीं दिया है, तो इसीलिए साइंस की अनुभूति के लिए ये करना जरूरी है ये शब्द नहीं है। इनकी मर्जी है इन वो करें, इसमें साइंस का शब्द नहीं। इनको पूजा करना है, आरती करना है, जो करना है वो करें, मगर अध्यात्म विज्ञान ये जो क्रिया करता है इसको पुरुषार्थ मानता नहीं है, क्योंकि मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो कुदरती रचना से होता है इसमें पुरुषार्थ कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या हम श्वास लेते हैं पुरुषार्थ है? तो श्वास लेना वही पुरुषार्थ नहीं है। तो ये श्वास से जो मन वचन काय चलता है इससे जो भी क्रिया होती है क्या वो पुरुषार्थ हो सकती है? फिर भी मानते हैं ना, मनवाते हैं ना, हम स्वीकार करते हैं ना। इसी का नाम है अज्ञान मान्यता है। क्या है? गलत नहीं है, अज्ञान मान्यता है, असैद्धांतिक, धार्मिक और श्रद्धा वाली बात, मगर सिद्धांत वाली बात नहीं। तो एक न एक दिन हमको अगर आगे बढ़ना है तो विज्ञान एज इट इज समझना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। विज्ञान के अलावा जो भी बात है वो सामाजिक और धार्मिक है। क्या है? सामाजिक, वो आध्यात्मिक बात नहीं है, भले वो शब्द लगाएंगे मगर है सामाजिक और धार्मिक। मैं जब पहले आज से करीब 15-20 साल पहले की बात करता हूँ, लोग मेरे को कहते थे कि हम सिमंदर स्वामी की भक्ति करेंगे तभी मोक्ष में जाएंगे, महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे तभी मोक्ष में जाएंगे। तो ये बात लोगों के दिमाग में सेट कर दिया। क्या कर दिया? सेट कर दिया।
कोई ये नहीं पूछेगा कि मेरे को नर्क गति में जाने के लिए भावना करने की जरूरत है, फिर भी जाएगा, कर्म किया है तो। मेरे को पशु योनि में जाने के लिए भावना करने की जरूरत है, कर्म करूंगा तो जाऊंगा। मैं देवलोक में जाऊंगा क्योंकि मेरा कर्म है, और मनुष्य भाव में भी वापिस आऊंगा क्योंकि मेरा, मगर मेरी भावना से मेरे को मनुष्य भाव नहीं मिलेगा, मेरे कर्मों से मिलेगा। तो महावीर क्षेत्र क्या कर्मों से नहीं मिलेगा? बोलते नहीं है। अगर तीर्थंकर का दर्शन करने की मेरी भावना है, मेरी क्वालिटी के मुताबिक, तो तीर्थंकर का दर्शन भी वो कुदरत करवाएगी। अगर मोक्ष मार्ग में जरूरत है तो कुदरत का काम है। लेकिन स्वामी जी ऐसी मान्यता है ना, महाविद्या क्षेत्र में वो ही जाएगा जिसको मोक्ष में जाना है। किसने कहा ऐसा? गलत है, ऐसा ही सुना है सत्संग में तो। मैं वही तो कहता हूँ, ये टोटली रॉन्ग है। भगवान महावीर यहाँ थे, सब मोक्ष में गए। अरिहंत प्रभु जिसको अपन, तो वो भी अरिहंत तो है, वो अरिहंत नहीं थे? सिमंदर स्वामी हाजिर है ना, अरिहंत प्रभु है अभी। महावीर भगवान जब हाजिर थे तब जिन्होंने दर्शन किया सब मोक्ष में गए। यही तो कंफ्यूज आ रहा है, सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन करने से मात्र, अपने दादा भगवान के सत्संग में मैंने सुना है सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने वही तो कहा, मैं वही कहता हूँ कि ये एक मान्यता है, ये सिद्धांत। मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि महावीर की धर्म पत्नी अभी यहाँ है, नहीं कहा है नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखा नहीं है उसने? नहीं देखा। तो फिर मतलब क्या रहा? सिमंदर स्वामी के भी लाखों लोग दर्शन कर ही रहे हैं अभी, महावीर क्षेत्र में। उसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष में जाते हैं, दर्शन करने से मोक्ष नहीं है, दर्शन करना है कर्म है। क्या है? कर्म, पुण्य कर्म है, वो मानते हैं। मगर दर्शन करने से मोक्ष होगा वो असैद्धांतिक है। मोक्ष तो अज्ञान मिटने से ही होगा। मेरे अंदर भरा अज्ञान भरा पड़ा हुआ है और मैंने दर्शन करका दर्शन किया, मोक्ष हो जाएगा। हाजिर तीर्थंकर के दर्शन तो बहुत। मैं क्या कहता हूँ, और मैं महाविद्या क्षेत्र में जन्म लिया और इसका दर्शन किया, तो अज्ञान निकल जाएगा महाविद्या क्षेत्र में जाने के लिए? अज्ञान नहीं, आदमी महाविद्या क्षेत्र में भी जन्म हो सकता है? सातवीं नरक में भी वहां से ही जा सकते हैं, यहां से नहीं जा सकते। क्या बताया मैंने? सातवीं नरक में जाना है यहां से तो इम्पॉसिबल, वहां से पॉसिबल है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि कितना पाप कर्म वहां कर सकते हैं जो यहां नहीं, नहीं कर सकते। और छठे देवलोक में जाना है तो भी वहां से जा सकते हैं, यहां से नहीं जा सकते। यहां से पहला दूसरा और तीसरा देवलोक तक मनुष्य इस भाव में से, इस भरत क्षेत्र से जा सकते हैं। चौथा पांचवा छठा देवलोक में, अब चौथे देवलोक में अपवाद रूप से कोई जाते हैं, और पांचवे छठे में तो कोई जाते नहीं यहां से, मगर वहां से जाते हैं। आप समझे, पहली दूसरी और तीसरी नरक लोक में भी यहां से जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो तीन दिन लोग, तीन नर्क लोग से आगे नहीं जा सकते यहाँ से, तीन देव लोग से आगे नहीं जा सकते, और मोक्ष भी यहाँ से नहीं, और वहां से तीन नर्क से आगे के नर्क में भी जा सकते हैं, सातवीं तक महाविद्या। अभी मैंने पहली बात किया वो यहाँ की बात किया, अभी मैं वहां की बात करता हूँ। महाविद्या क्षेत्र में से तीन नर्क लोग से आगे चार पांच छह सात तक जा सकते हैं, वहां से, वहां से चार पांच छह देवलोक भी जा सकते हैं, और वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं। यानी तीनों कंडीशन खुली है कि नहीं? तो हम कहेंगे वहां से पाप नहीं करेगा तो नरक में कैसे जाएगा? आप समझे, वहां एनिमल भी है, प्राणी भी है वहां,
त्रियंत गति भी वहां है। हमारे हमारी भ्रांति में था कि वहां पे 20 तीर्थंकर विराजमान है, तो वो मार्गदेह क्षेत्र है जो सब मोक्ष मार्ग में जाने वालों के लिए ही है। 20 तीर्थंकर है महाविद्य क्षेत्र में, वो बात सही है। और एक एक महाविद्य में 4 तीर्थंकर है, कितने? 4। ऐसे 5 महाविद्य में 20 है, कितने है? 20। और महाविद्य क्षेत्र हमारे भरत क्षेत्र से 32 टाइम बड़ा है। क्या बताया? 32 टाइम बड़ा। भरत क्षेत्र से, भारत देश से नहीं, भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र का मतलब 6 खंडों का टोटल। क्या बताया? 6 खंडों का टोटल, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, वो 6 खंडों का टोटल, इसका नाम है भरत क्षेत्र। वो भरत क्षेत्र जो है, इससे एक महाविद्य क्षेत्र 32 टाइम बड़ा है। कितना? 32 टाइम एक महाविद्य क्षेत्र बड़ा है। एक भरत से, एक भरत क्षेत्र से एक महाविद्य क्षेत्र 32 गुना बड़ा है। समझ में आया? और यहां से 32 गुना से ज्यादा वहां पॉपुलेशन है। क्या बताया? 32 गुना ज्यादा पॉपुलेशन। ऐसे बड़े क्षेत्र के अंदर आज सिर्फ 4 तीर्थंकर है, और ऐसे एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो पॉपुलेशन है यहां से 32 गुनी। क्या बताया? 32। उनमें से सिर्फ 1% लोग ही उनको देख सकते हैं। कितने? 1%। आउट ऑफ 100% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1 महाविद्य क्षेत्र, जैसे ये 1 भरत क्षेत्र है, ऐसे वहां 1 महाविद्य क्षेत्र है, तो जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर से 1% इसको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसमें से 1% लोग उनकी बातों को समझ सकते हैं, इनमें से 1% लोग उनके पास से जो समझ सकते हैं उसमें से 1% दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के 1% लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। अभी आप काउंट कर लो, अभी 6000 उनकी 100% की पॉपुलेशन है। हाँ। महाविद्य क्षेत्र की, उनमें से कितने परसेंटेज जाते हैं? 1% तो देखने वाले हैं। अभी आपको समझना है, तो ये चमत्कार की भाषा नहीं चलेगी। फिर दीक्षा लेंगे उसके बाद ही मोक्ष जाएंगे। दीक्षा लेंगे उसमें से भी 1% जाएंगे, और नहीं, और अज्ञान निकाल देंगे तो तो भी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे ना। दीक्षा लेने थोड़ी अज्ञान निकल जाता है कि मैंने ये कपड़ा निकाल के वो पहन दिया तो अज्ञान चला जाएगा। ये तो उदय कर्म है, शादी करो वो भी उदय कर्म, और दीक्षा लो वो भी उदय कर्म। अज्ञान तो अंदर है, ये बाह्य वेश से क्या फर्क होता है? ये तो मेरा कर्म फल है। महाविदेश क्षेत्र में कौन जाते हैं? महाविदेश क्षेत्र में कौन जाते हैं? कौन जाते हैं मतलब? महाविद्य क्षेत्र के अंदर वो लोग जाएंगे जिनका डेवलपमेंट और कर्म चौथे आर्य या तो सतयुग के लायक है, वही जाएंगे। महाविदेश क्षेत्र की भावना करने से महाविदेश क्षेत्र नहीं मिलेगा, मगर मेरे कर्म की क्वालिटी इस क्षेत्र के लायक होनी चाहिए, और वहां जाने के लिए मन वचन काया की एकता चाहिए। क्या चाहिए? मन वचन काया की एकता। तीर्थंकर की पहचान करना वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, मगर मन वचन काय की एकता वो कंडीशन है वहां जाने की। फिर बाद में आगे दर्शन करना है तो अलग कर्म चाहिए, दीक्षा लेना है तो अलग कर्म चाहिए, और मोक्ष में जाना है तो अलग डेवलपमेंट चाहिए यहाँ से। तो ये सब बाकी अलग अलग है, मगर वहां जाने के लिए तीर्थंकर को मानना जरूरी नहीं है,
मगर मन वचन काय की एकता होगी तो वहाँ जन्म होगा। नहीं, इस जन्म में पृथ्वी लोक में लोग अगर मन वचन काय की एकता रखते हैं तो क्या वो वहाँ विदेश में चले जाते हैं? अभी यहाँ नहीं होती है, अभी यहाँ नहीं होती है ना। सोचना अलग, बोलना अलग और करना अलग, तीनों क्या है? अलग अलग। तो अभी तो ये परिणाम स्वरूप है, मगर जिसके भाव में मन वचन काया कि बनने से भाव में, तो इसका हरिवर्त कहाँ होगा? हाँ। फिर वो तीर्थंकर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? वो कंडीशन नहीं, सिर्फ क्षेत्र में जन्म लेने के लिए कंडीशन है। क्या बताया? मन वचन काया कि एकता। बस फिर सिमंदर स्वामी को मानते हैं नहीं मानते, वो कंडीशन नहीं है। पूरी लाइफ उसका आयुष्य लाख साल का है तो भी एक भी बार दर्शन नहीं करेंगे, जाएंगे भी नहीं और जरूरत भी नहीं उसको। उसका मतलब ये नहीं कि वो हम वहाँ पैदा नहीं हो सकता है, ये तो कर्म है, कहीं भी पैदा हो सकते हैं अपने कर्मों के भुगतान के लिए। यहाँ के जो कर्म करते हैं उसके अनुसार चाहे देवलोक 1-2-3 चाहे नरक लोक 1-2-3 या महाविद्या क्षेत्र में जाया जा सकता है। यहाँ कर्म जो किए उसके अनुसार मोक्ष में नहीं जा सकते। हाँ, मोक्ष यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो मोक्ष में डायरेक्ट वाया भरत क्षेत्र महाविद्या क्षेत्र। महाविद्या क्षेत्र सतयुग के बिना मोक्ष होता नहीं। महाविद्या क्षेत्र में तो सतयुग है। हाँ, इसीलिए वहां से जा सकते हैं। वहां जाने से मोक्ष मिलेगा वो नहीं है। हाँ, वो वहां से जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट 100%। यहाँ जोधपुर के अंदर अगर 50 सिनेमा घर है और मैं 50 साल से यहाँ रहता हूँ, तो कोई लोग ऐसे बाहर के लोग मान सकते हैं कि आपने यहाँ के थिएटर देखे होंगे और थिएटर में पिक्चर देखे होंगे, क्योंकि थिएटर आपके गांव में है। मगर हो सकता है कि 50 साल में मैं एक भी थिएटर में नहीं गया होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, जा सकता हूँ क्योंकि है, मगर है इसीलिए गया हूँ इज नॉट इक्वल टू जरूरी। तो महाविद्या क्षेत्र से मोक्ष में जा सकते हैं, पर महाविद्या क्षेत्र में जन्म लेना इज इक्वल टू मोक्ष ऐसा नहीं है। ये हर बात में ये लोगों ने श्रद्धा ऐसी फिट कर दिया है लोगों के दिमाग में, दंती टूटती नहीं है ना, श्रद्धा फिट कर दिया है। सिद्धांत तो समझो, क्यों चमत्कार की बात करते हो? चमत्कार ही तो हुआ, वहां पैदा हुआ मोक्ष होता है, तो पुरुषार्थ का मतलब क्या रहा? फिर लोग यही माला गिनते रहेंगे कि महादेव क्षेत्र में जाऊंगा, महावे क्षेत्र में जाऊंगा, फिर मेरे को पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, आत्मा की भी क्या जरूरत है, पाप पुण्य की भी क्या जरूरत है, माला एक ही गिनने की जरूरत है, वहां जाऊंगा बस फिर तो मोक्ष हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ अज्ञान निकालने के बाद, वही तो मैंने कहा, दस्ता भाव में रहने से यहाँ से अब महाविद्या क्षेत्र में जा सकते हैं और आगे मोक्ष मार्ग का रास्ता खुला है। खुला है। तो आज जिसको मोक्ष में जाना है वो महाविद्या क्षेत्र से ही जा सकते हैं, वो बराबर है। मगर महाविद्या क्षेत्र में जितने लोग जाएंगे वो मोक्ष में जाएगी, वो करेक्ट नहीं। जाना है तो वहां से ही जा सकते हैं। अगर मेरे को सिनेमा देखना है और यहाँ के अलावा 500 किलोमीटर के एरिया में कोई भी जगह सिनेमा नहीं है, अगर मेरे को देखना है तो मैं कहीं रहूंगा तो यहाँ आना पड़ेगा, बाद में ही सिनेमा देखने के लिए जा सकता हूँ। मगर यहाँ रहता हूँ इसीलिए सिनेमा देखा है वो जरूरी नहीं है, मगर यहाँ आना पड़ेगा अगर जाना है तो। मोक्ष में जाना है तो महाविद्या क्षेत्र से ही जा सकते हैं, मगर महाविद्या क्षेत्र में जाने से ही मोक्ष होगा वो कंडीशन बराबर नहीं। स्वामी जी मेरी बात से आप नाराज मत रहिएगा, तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने जो ये बातें बताई है अभी महाविद्या क्षेत्र की और भरत क्षेत्र की, ये आपके अनुभव की बात है या साइंस है या आपने शास्त्रों से ये बात पढ़कर इसका करेक्ट मीनिंग आपने अपने दिमाग में समझा है? शास्त्र की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है और दर्शन की बात है, अनुभव की बात है, शास्त्रों की बात नहीं है।
मैंने पहले भी सत्संग में बार बार कहा है कि जब 25 साल का बाप 25 साल के जीवित बेटे को समझ नहीं पाता है, इसको कहते हैं जनरेशन बराबर है कि नहीं। 50 साल का पिता 25 साल के जीवित बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ डिफरेंस कितना है और दोनों जीवित है। तो 50 साल का बाप 25 साल के जीवित बच्चे को तो नहीं समझ सकता है, मगर वो बाप वो पिता 500 साल 1000 साल पहले छपी हुई पुस्तक को समझने बैठा है। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? वो अपना 25 साल छोटे बच्चे को नहीं समझ पाया, जीवित बच्चे को, जीवित बच्चे को। लेकिन जो कुछ भी किताबों में लिखा है वो तो जीवित नहीं है। हाँ, वो जीवित नहीं है, उसको कैसे समझ पाएगा वो? ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस समझते हैं कि नहीं? ये बात मेरी बात प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। तो किताबों में जो ज्ञान मिलेगा वो तो इन्फॉर्मेशन है। अगर अनुभव ही किताब में है तो किताब को मिक्सर में डाल के पी जाओ, सब अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो किताब में है, ऐसा आप मानते हैं। तो किताबों में इन्फॉर्मेशन है, क्या है? अनुभव नहीं। अनुभव तो जीवित व्यक्तियों के पास होता है, वो किताबों में नहीं। इसीलिए तो कहते तीर्थंकर के दर्शन के बिना मोक्ष नहीं है, क्योंकि वो जीवित है। अभी तीर्थंकर नहीं है तो मोक्ष नहीं है। तीर्थंकर का नाम तो है, मूर्ति तो है, फोटो तो है, होगा होगा लाइव नहीं, लाइव नहीं। तो वही बात लाइव आ गई, यहाँ लाइव चाहिए अभी। और पहले बात करते हैं किताबों की, बात तो सिद्धांत समझना पड़ेगा ना। और मेरी हर बातें मैंने कहता हूं कि ये अनुभव की बात है, हर बातें, एक बात की नहीं करता हूं। और इसलिए मैंने पहले ही टाइटल चेंज कर दिया है कि मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, अकर्म विज्ञान की नहीं करता हूं। क्या बताया? आध्यात्म। और अध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं है, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, आप समझे, इसीलिए वो सनातन सत्य है। और क्रम विज्ञान और अक्रम विज्ञान दोनों तो तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष ने दिया है। क्या बताया? क्रमिक मार्ग तो नेशनल हाईवे है जो कई अवतारों की परंपरा से चल रहा है, और अक्रम विज्ञान दादा भगवान की मुखारविंद से व्यक्त हुआ, मगर यह आध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं है। आई एम नॉट क्रिएटर, जो सनातन सत्य है वो ही बता रहा हूं। मैं ये आध्यात्म विज्ञान का मालिक नहीं। और बनाने वाला भी नहीं, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है। मैं नहीं पैदा हुआ, उससे पहले भी था और मेरे जाने के बाद भी रहेगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मेरा ट्रूथ नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ का एक्सपीरियंस मेरा है। क्या बताया? एक्सपीरियंस। आप समझे ना? और इसीलिए मैं अपने ये सनातन सत्य की जो दृष्टि है इसको मैं लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि आखिर यही विज्ञान है। और विज्ञान कहीं से भी उसको सेट करना चाहोगे, जोड़ना चाहोगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत है। क्या है? श्रद्धा की बात नहीं जुड़ेगी, मगर सिद्धांत की बात को कहीं से भी आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। समझ में आया? और श्रद्धा की बात होगी, आगे बात करूंगा, आपके पास उत्तर नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी यही कहा। तो अक्रम परमानेंट नहीं है विज्ञान, क्रम परमानेंट नहीं है विज्ञान, और मैं विज्ञान की बात करता हूं जो परमानेंट है, जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी। आज क्रमिक मार्ग फ्रैक्चर हो गया है, क्या हो गया है, और अक्रम मार्ग जो चालू हुआ है वो साइंटिफिक मार्ग जो है उसका साइंस लोग जानते नहीं है। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई,
ये धर्म की बात जो थी क्रमिक मार्ग वो भी श्रद्धा की थी, और आज विज्ञान भी क्या हो गया, अक्रम विज्ञान भी श्रद्धा पर चला गया, वो फॉर्मेट हो गया, क्या हो गया, तो धर्म भी फॉर्मेट और ये भी क्या हो गया, तो विज्ञान तो रहा नहीं, क्या नहीं रहा, विज्ञान तो भी और फॉर्मेट होता है, विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है। तो इसीलिए ये बात मैंने पहले भी कहा कि ये बात समझने के लिए हमारे पास डेवलपमेंट चाहिए, वैल्यू चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो बात समझ में आएगी। बाद में एप्लीकेशन चाहिए तो फिर एक्सपीरियंस होगा, मगर पहले समझने के लिए भी तीन बात चाहिए, डेवलपमेंट, वैल्यू एंड इंटरेस्ट। इसके बाद जब समझ में आएगा तो एप्लीकेशन चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस। विदाउट एप्लीकेशन एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, नॉलेज रहेगा, क्या रहेगा, और ये एप्लीकेशन सिर्फ विजन से है। विज्ञान का उपयोग कैसे करना है, विजन से, मन वचन काया से, और इसीलिए उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। और मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो क्या है, उदय कर्म। तो एक ना एक दिन सिद्धांत को समझना पड़ेगा। श्रद्धा से तो कितने अवतार गवाए, श्रद्धा से सिद्धांत कहा है। आज देखो तातेड़ साहब जिन्होंने 250-300 किताबें लिखी है, 228 किताबें लिखी है, जिनके 500,000 एपिसोड है, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास है, बहुत सारे अवॉर्ड मिल चुके हैं उनको, वो भी कहता है कि मैंने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी लिखा है, आपके विज्ञान के आगे 1% भी नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा की बात है। क्या है, श्रद्धा की बात है, धार्मिक बात है, सामाजिक बात है, वो सनातन सत्य की बात नहीं है। आप समझे, क्रमिक पाक से जुड़े हुए थे। मोबाइल अब वो आज तक क्रमिक मार्ग से जुड़े हुए थे, अक्रम सब सभी सभी महात्मा भी क्रमिक मार्ग से ही जुड़े हुए थे, सब महात्मा, सब हम सब। प्रश्न ये नहीं थे कि आप जुड़े हो कहाँ थे, प्रश्न ये था कि आपको मिलने के बाद भी आप ये विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझ नहीं पाए, बस वो आपका माइनस पॉइंट, और मिला वो आपका उदय कर्म। उदय कर्म था तो आपको मिला, हम मना नहीं करेंगे, मगर नहीं समझ सके क्योंकि आपके पास साइंटिफिक विजन नहीं है। ये भी एक खोज की तरह हो गया, वही तो डिस्कवरी होती है, एग्जिस्टिंग तो होता ही है, जो चीज है वो उजागर बाद में होती है, इसी प्रकार ये उजागर हुआ है। बस मैं इसको डिस्कवरी बोलता हूं, डिस्कवरी मेरा क्रिएशन नहीं है, डिस्कवरी जो था उसको बाहर निकालना, ये नई बात है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि नया नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। क्या है, सनातन सत्य है, परमानेंट है, ये कोई आज तक आज की बात नहीं है, आज सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन मेरा है, मगर लॉ ऑफ नेचर तो परमानेंट है। तो कीमत प्रेजेंटेशन की है, किसकी है, कानून तो दिखता नहीं है, दिखता है तो अनुभवी पुरुष को दिखता है, उन्होंने आत्मसात किया है थ्रू हिज विजन, तो वो आपको सरल भाषा में एग्जाम्पल देके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि आप इसको समझ सको। आप खुद तो देख नहीं सकते, कोई जगह लिखा हुआ तो होता नहीं है, वही तो बात, वही तो है, इसीलिए तो मैंने कहा ये मेरा दर्शन है, ये नॉलेज नहीं, और इसीलिए मैं पढ़ पढ़ के कंठस्थ करके आपको उत्तर नहीं देता हूँ। देख कर भी समझ नहीं सकते, ऊपर से नीचे गिरते हुए करोड़ों लोगों ने देखा होगा, मगर आइंस्टीन ने
दृष्टि नहीं है, कीमत दृष्टि की है, कीमत आंखों की नहीं है। आंख तो देख सकता है, आंख के पास विजन नहीं है। आंख का काम दृश्य को दिखाना है, दृश्य को समझाना नहीं है, दिखाना है। जिसने ग्रेविटेशन को समझा तो उसके बाद दृष्टि थी वो समझ गया। अगर कोई तो कहीं ना देखा था, उसी प्रकार यही बात नहीं समझ में आएगी। नहीं समझ बिना नयन पाए नहीं, बिना नयन की बात स्वामी जी आपके सनातन सत्य के अंदर फिर जिम्मेदारी वाली कोई बात तो रही नहीं, क्योंकि ये तो सबके लिए एक ही है। एक ही है जिम्मेदारी किसकी मांगो? जैसे गुरु भगवंत होते हैं, महाराज साहब होते हैं, प्रवचन देते हैं, समझाते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उन्होंने अपने जो भी श्रावक साविका तो उनको क्या समझाया। वो तो कहता है मैं तो आगम में से बोलता हूँ, तो फिर जिम्मेदारी किसके लिए? टीचर कहता है स्कूल में कि किताबों में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिम्मेदारी उसे क्या है? ये किताब में लिखा है वो पढ़ाता हूँ, मेरे घर की तो बात करता नहीं हूँ। गलत है तो भी किताब में, सही है तो भी मेरा नहीं है। मैं तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मगर ये मेरी बात नहीं है और ना ही मेरी अनुभव की है। मैंने पढ़ी हुई है, समझी हुई है, मैं आचरण करता हूँ, मगर अनुभव मैं सिर्फ ये बातों को समझ के फॉलो करता हूँ फिजिकली। वो भी कैसे? फिजिकली। मगर मेरे को कोई तत्व का अनुभव नहीं है, तो इसीलिए मेरी जो भी बात है वो किताबों की है, शास्त्रों की है, वो मेरी खुद की नहीं है, इसीलिए वो जिम्मेदार नहीं है। मगर वो ऐसा कहेगा कि ये जो बात है वो आपको माननी ही पड़ेगी, इसी से आपकी मुक्ति होगी, इसी से ही आपकी प्रगति होगी, तो बाद में वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑथेंटिक बोलेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल है। आप समझे ना? इसका मतलब ये हुआ एक फॉलो करना फॉलो करना और अनुभव करना में बहुत फर्क है। आसमान जमीन का फर्क है। हाँ, फॉलो तो जो कहा फॉलो कर रहे हैं तो उसी को गारंटी नहीं। अनुभव करने का मतलब साक्षात हमको अनुभव कर लिया, जो फॉलो कर रहे हैं उसको अनुभव किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अनुभव करने की है। जिस चीज को फॉलो करो जो भी करो वो अनुभव में जाना, अनुभव आ जाए तो सब सब्जेक्ट पूरा हो गया। जैसे यहाँ स्कूल और कॉलेज, ये मैं जोधपुर की बात करता हूँ, जोधपुर के अंदर स्कूल और कॉलेज की संख्या मानो के 200 है, जोधपुर सिटी की बात करता हूँ, स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला के संख्या 200 है ऐसा मान लो, तो शायद उसके अंदर 200 साइंस के टीचर होंगे, मिनिमम 1 कहूंगे तो भी ठीक है। मगर ये जोधपुर में साइंटिस्ट कितने होंगे? साइंस के टीचर तो बहुत हो गए, मगर साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं। ऐसे किताबों को पढ़ाने वाला, शास्त्रों को पढ़ाने वाला तो बहुत होगा, अनुभवी कहाँ से लाओगे? अनुभवी कहाँ से लाओगे जो खुद साइंटिस्ट है? ये तो साइंस के टीचर है, साइंटिस्ट नहीं। नहीं, कोई भी बात ऐसे नहीं बोल सकते है कि मेरा अनुभव है। यही कहता है जो शास्त्रों में लिखा है वही बताते हैं, हम वही मानते हैं, बराबर है कि नहीं? मेरा अनुभव है ऐसा वो बोल नहीं सकते। और भगवान जो होते हैं तीर्थंकर, वो कभी शास्त्रों की बात नहीं करते, क्योंकि उस समय शास्त्र होते भी नहीं है। जब 24 तीर्थंकर थे तब ये शास्त्र नहीं थे, और जब शास्त्र बना तब तीर्थंकर नहीं है। जब तीर्थंकर थे तब शास्त्र नहीं था और केवल ज्ञान था, अभी शास्त्र है तीर्थंकर नहीं है तो केवल ज्ञान भी नहीं है। तो बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी कि शास्त्र कितना हेल्प कर सकता है? जब शास्त्र होता है
तो कोई केवल कारण नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाला कभी केवल ज्ञानी होता नहीं है और केवल ज्ञानी कभी शास्त्र लिखता नहीं है। केवल ज्ञान में तो उसका सब दिखता ही है। नहीं, मगर वो लिखता नहीं है ना, दिखता है मगर लिखता नहीं है। ये सभी लेखक है, इसको जो दिखता है वो लिखता है, उनको दिखता है मगर लिखता नहीं है। वो भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आगे लिखते हैं। तो उन्होंने समझा, केवल ज्ञानी ने जो बताया और लिखने वाले ने समझा, उसके हिसाब से आगे लिखते हैं। पर जब भी लिखा तब केवल ज्ञानी हाजिर नहीं थे, हाजिर नहीं थे, उन्होंने तो नहीं देखा है। नहीं, जिन्होंने लिखा है उन्होंने केवल ज्ञानी को देखा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। तो फिर उन किताबों और उन ग्रंथों का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, मतलब नहीं ऐसा नहीं बोलने का। अगर कोई आज आगे की बात सुनाने वाला मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो धर्म तो है ही, शास्त्र तो है ही, इसीलिए मतलब नहीं ऐसा नहीं बोलने का। मतलब तो है, कम से कम हमको पापों से बचा के पुण्य के मार्ग में आगे ले जा सकते हैं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, आप समझे, तो अच्छे कर्म बनाने की प्रेरणा देता है, आप समझे, हमको तपस्वी बनाता है, साधक बनाता है, धार्मिक क्रियाओं से पुण्यशाली बनाता है, ये पॉजिटिव तो है ना। मोक्ष नहीं जा सकते हैं, एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं ना। पाप का डर सिखाने वाला भी धर्म है, तो कोई डरेगा ही नहीं। तो मैं नहीं कहता हूं कि शास्त्र गलत है, मेरा एक ही मकसद है, शास्त्रों के माध्यम से अच्छा इंसान बन सकते हैं, चारित्रवान इंसान बन सकते हैं, मगर शास्त्रों के ज्ञान से कभी मुक्ति नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। बाकी संसार में अच्छा इंसान बन सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसलिए शास्त्र गलत है ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए तो अनुभवी के बाद, अनुभवी ज्ञानी के बिना कोई रास्ता नहीं है, और लास्ट में केवल ज्ञान होने के पहले भी सतयुग और तीर्थंकर का दर्शन आवश्यक है। लास्ट करते हैं, सतयुग होना चाहिए और तीर्थंकर का दर्शन होता है बिफोर केवल ज्ञान। उसमें भी स्वयं पे एप्लीकेशन और फिर अनुभव करना जरूरी है। बस तो इसीलिए हर बात को सिद्धांत के रूप में समझने की जरूरत है। अभी तक हमने कोई भी बात सिद्धांत से नहीं समझा, सिर्फ श्रद्धा से समझा। कौन सी श्रद्धा? किताबों में लिखा है, ना कोई लॉजिक। ये अनुभव तो एप्लीकेशन का रिजल्ट है। हाँ, बिना एप्लीकेशन कैसे, चमत्कार थोड़ी होता है। एप्लीकेशन कहो, पुरुषार्थ कहो, उसे अनुभव होगा, उससे अनुभव होगा, ऐसे थोड़ी चमत्कार हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा विज्ञान के अंदर कृपा मार्ग, श्रद्धा मार्ग, आशीर्वाद, ये सब होता नहीं है, विज्ञान में नहीं होता, धर्म में होता है। धर्म में चमत्कार होता है? होता नहीं है, धर्म में होता है, ऐसा मानते हैं और मनवाते हैं। ये माता जी को चुनरी लगा हो तो आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, श्रद्धा की बात है, श्रद्धा में तो ऐसा होता है, माता जी को चुनरी बनाते हैं और काम हो जाता है तो श्रद्धा बहुत हो जाती है। वही तो मैं कहता हूँ, साइंस के हिसाब से छह अवस्था हो, अगर एक साथ मिल जावे, माता जी को चुनरी भी बना दी और छह अवस्था मिल गई और आपका काम हो गया, साइंस तो के हिसाब से तो वो चीज हुई है, और धर्म के हिसाब से
आपके चमत्कार हुआ। श्रद्धा श्रद्धा वो दुनिया ऐसे ही चलेगी ना, दुनिया ऐसे ही चलेगी। और इसीलिए साइंटिस्ट उसमें वेट नहीं देते हैं, श्रद्धा वाले धर्मगुरु तो बताएंगे, आप समझे, धर्मगुरु तो बताएंगे भाई भगवान के लिए ये मुंगट बनाना है, भगवान के लिए मंदिर बनाना है, भगवान के कपड़े के लिए करना है, ये भगवान के मंदिर का प्रसाद है और ये भगवान का यह वरगुड़ा निकालना है, सब कुछ लाओ पैसा तो काम होगा, आप समझे। तो भगवान खुद तो बेघर है नहीं कि उसके लिए घर बनाने की जरूरत है, बोलते नहीं वो बेघर है नहीं। आपकी श्रद्धा है भगवान की बेघर है, बोला भगवान की भी मंदिर बना रहा थे, भगवान कहाँ बेघर है, उसमें भी तो करने वाला। आपकी श्रद्धा है ठीक है करते हैं, उसमें जो करने वाला होता है उसके मन में भाव डिफरेंट होते हैं, आज मैं इतना कर रहा हूँ तो इतना मिलेगा, भाव प्राप्त करने की होती है छोड़ने की नहीं होती है। ऐसा बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का मिलेगा होगा 800, वही तो है इट्स अ बिजनेस, ऐसे ही करते हैं। और कहते हैं धर्म भाव तो यही हो, बात वही हुई ना, भाव ही होता है, बिजनेस ही हुआ कि नहीं हुआ। तो यस मैंने कहा नहीं, ये सब बातें पाप पुण्य के ऊपर आधारित है, इसमें कोई जगह तत्व ज्ञान और ना ही कोई सनातन सिद्धांत है, सब व्यवहार सत्य की श्रद्धा की भक्ति की और पाप पुण्य की बातें, और इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, आप मानते रहो वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है ऐसा। संसार बढ़ाते हैं, संसार बढ़ाते रहो और क्या कर सकते हैं। आज साधु भगवंत भी ऐसा ही करते हैं, हम कहेंगे या तो हमको कहेंगे कि भाई हम तो त्यागी हैं, तुम तो संसारी हो भोगी हो, तुम बार बार पैसे की ही बात रटन करते रहो दिन रात। तो मैं साधुओं को प्रश्न करता हूं, क्या बार बार आप पैसे के बारे में नहीं सोचते हो, मंदिर बनाना है, संस्था बनानी है, वरगोड़ा लगाने का है, इतने फंक्शन करते हैं, ठीक है एक मंदिर बन गया तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा बन गया तीसरा प्रोजेक्ट, और सबके लिए सोचना कहाँ से पैसा लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, वो भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो आप भी पैसा की रमणता करते हैं, हम भी करते हैं, फर्क क्या हुआ स्वामी जी, वो धर्म प्रचार के लिए करते हैं, जैन धर्म का प्रचार हो गए उसके हिसाब से भी करते हैं, सब साधु साधी इसके लिए नहीं करते। तो बताओ मेरे को तीर्थंकर भगवंतों ने कितने मंदिर बनाए, संसार बढ़ गया ना स्वामी जी, तो संसार प्रचार कैसे होगा धर्म का, उसको नहीं करना था, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं थी, संसार में लोग नहीं थे, इससे भी ज्यादा होंगे ऐसा थोड़ी है, बात ही यही है, मैं कोई मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं कहता हूँ मंदिर व धार्मिक बातें इसको आध्यात्म से मत जोड़ो, यही मैं कहना चाहता हूँ, मैं उसको गलत नहीं कहता, मंदिर तो जरूरी है समाज में इंसान को इंसानियत बढ़ाने के लिए, पापों से बचने के लिए, पुण्य उपार्जन करने के लिए, साधना करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए धार्मिक स्थान की आवश्यकता है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ और ना ही मैं इसका विरोधी हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मंदिर से मुक्ति मिलेगी ये बात, मगर मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मेरे को विरोध करने से क्या फायदा, पूरा समाज उसके ऊपर चलता है, हर धर्म उसके ऊपर चलता है, मैं विरोध क्यों करूंगा,
मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इसको मुक्ति के साथ मत जोड़ो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इनको पूजा करना है, आरती करना है, उपवास करना है, माला गिनना है, जो भी करना है वो करे, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर ये जो करती है इसको पुरुषार्थ मानोगे तो वो व्यवहार दृष्टि है, उदय कर्म मानोगे तो वो सनातन दृष्टि है, बस बात खत्म हो गई। इसमें ये करना न करना वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ। जिसको आप पुरुषार्थ मानते हो, साइंस इसको उदय कर्म बोलते हैं, बात दृष्टि की है, बात क्रिया करना ना करना वो नहीं है, जो क्रिया हो रही है उसमें आपकी दृष्टि क्या है। आप कहता है कि मैंने भगवान की पूजा किया, जब आप कर्ता भाव से करोगे तो वो अज्ञान से आपको पुण्य मिलेगा, और जब कहते हैं कि शरीर ने उदय कर्म के अधीन पूजा किया तो अज्ञान कटेगा तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे, बराबर है कि नहीं? बराबर। अज्ञान कटेगा तो मोक्ष की ओर आगे बढ़े, पुण्य मरेगा तो संसार की ओर आगे बढ़ोगे। बात समझने की है, इसमें गलत सही की बात, करने ना करने की बात है ही नहीं, आप समझे? अमूमन जो लोग इस तरह पुरुषार्थ करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, उनके मन में भी ये मेरा परसेप्शन है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन के साथ में वापस प्राप्त करने की भावना रहती है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। वो धर्म इसलिए भी करते हैं कि अब में अगले जन्म में अच्छी गति मिलेगी, या डरते हैं नरक गति नहीं मिलेगी मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो करते हैं उसमें मन भावना प्राप्त करने की होती है, ये कहना चाहते हैं। वो बराबर है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि आज जो लोग धर्म को समझ के, धर्म को मान के, धर्मगुरुओं को फॉलो करके जो भी धर्म करते हैं, उनके पीछे उनको नया संसार प्राप्त करने की ही और अच्छा संसार प्राप्त करने की ही अपेक्षा है, वहाँ मोक्ष की बात है ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि धर्म को मोक्ष के साथ मत जोड़ो, क्योंकि बात ही नहीं है। फिर आप बार बार कहो कि धर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, धर्म से मुक्ति, मगर धर्म करने वाले मुक्ति चाहिए ही नहीं उसकी, वो एंगल से धर्म करते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, फिर बात ही कहाँ आएगी? तो बात वही मैं कहता हूँ, इसके लिए इसको धर्म की बात बराबर है कि कम से कम पापों से बचे और पुण्य उपार्जन करें, उनके लिए करेक्ट है। मगर अगर हमको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो ये विज्ञान समझ के हमारे अंदर जो अज्ञान की रॉन्ग बिलीफ पड़ी है इसको नष्ट करना पड़ेगा। ये हमारे इंडिविजुअल बात है, ये सामाजिक बात नहीं या धार्मिक बात नहीं है, इंडिविजुअल है, सबके लिए इंडिविजुअल है। और ये विज्ञान मिलना, आप देखो ये कलयुग के अंदर नॉर्मली ये साइंस इतना सिंपल भाषा में और फुल फॉर्म में ज्ञानी होते हुए भी निकलता नहीं है, क्योंकि ये काल के लिए लायक नहीं है, अपवाद है। क्या है अपवाद? समझ में आया? और इसीलिए ये काल में अनुभवी ज्ञानी होते हैं तो भी विज्ञान निकलता है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर बाद में उसको धर्म को विज्ञान को मोड़ करके रिचुअल्स देना ही पड़ता है ताकि आम लोग फिर बाद में इसको फॉलो करें, और इसके जाने के बाद तो 100% फॉर्मेट ही हो जाता है उसके जाने के, फिर विज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में जो फॉर्मेट दिया रिचुअल्स का
इसी को फॉलो करना, इसको ही पुरुषार्थ मानेंगे और मनवाएंगे, जो हर धर्म में होता है। समझ में आया? जब वैज्ञानिक खुद होता है तो कम से कम ऐसे जिज्ञासु विचक्षण लोग, थिंकर लोग को तो कम से कम बता सकते हैं कि भी विज्ञान ये है और ये धर्म है। जब वो हाजिर है तब इसके जाने के बाद तो रिचुअल्स का ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे अन्य धर्मों के अंदर संस्था, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, गुरु शिष्य, भगवान, इसको ही लोग फॉलो करते हैं। ऐसा भी यहाँ हो गया, यहाँ भगवान का टाइटल फिक्स हो गया, गुरु का टाइटल फिक्स हो गया, मंत्र फिक्स हो गया, मंदिर फिक्स हो गया, आप्तवाणी शास्त्र फिक्स हो गया, अभी गुरु शिष्य फिक्स हो गए, क्या हो गए, संस्था फिक्स हो गई, रिचुअल्स फिक्स हो गए, तो क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया, मोक्ष फिक्स नहीं हुआ। तो फिर फॉर्मेट और मोक्ष कहां से होगा? फॉर्मेट और मोक्ष दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। सनातन सत्य और ये व्यवहार सत्य हो गया, व्यवहार कहो या धार्मिक सत्य कहो, मगर फिर फॉर्मेट में सनातन सत्य नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट में क्या कहेंगे आपको, आपको अभी सिमंदर स्वामी को ही मानने का, कृष्ण राम महावीर को नहीं मानना। जब आप राम को मानते हैं तो बोला कृष्ण को नहीं मानना, जब कृष्ण को मानेंगे तो महावीर को नहीं मानना, जब महावीर को मानेंगे तो शिव को नहीं मानना, और यहाँ भी कहेंगे कि सिमंदर स्वामी के बिना किसी को नहीं मानना, तो बात वही की, फिर क्या हो गया है, त्रिमंत्र ही बोलना पड़ेगा। और कोई भी जगह जाएंगे तो बोला अपना मंदिर नहीं है वहां जाओ ना, यानी फॉर्मेट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे भाई हम तो जैन है तो महावीर की माला गिनते, बोला महावीर की माला क्यों गिनते हो, सिमंदर स्वामी की माला गिनो। फिर कोई कहेगा नहीं मैं तो नौकार मंत्र गिनता हूँ, नौकार मंत्र की नहीं अभी त्रिमंत्र की गिनो, तो फिर क्या हो गया, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब जो बताया है वो ही फॉलो करो और कोई काम नहीं करना। और विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है तो तुम जो भी करते हो वो उदय कर्म है। तो इसीलिए क्या करो क्या न करो वो साइंस का शब्द है नहीं, मगर फॉर्मेट का शब्द है। आप समझे ना, फॉर्मेट का मतलब यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तभी आप फॉलोअर हो। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आप फॉलोअर्स और विज्ञान में फिजिकली कुछ फॉलो नहीं करना है तो आप क्या फॉलो करते हैं। मैं अभी आता हूँ फसल पूता हूँ कि आप चरण विधि करते हैं कि नहीं, नमस्कार विधि करते हैं कि नहीं, सामयिक प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं, आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं। मैं किसी को पूता हूँ पूछता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फॉर्मेट आ गया, क्या आ गया, मगर मैं ये कहूंगा कि मनोचन का से मुक्त रहते हो, मैं कौन हूँ वो जागृति में रहता है, ये मनोचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना अनुभव में आती है, ये छह तत्व समझ में आता है, इतना मैं पूछूंगा, मगर आप क्या करते हैं क्या नहीं वो मेरा शब्द है नहीं। ये मेरे को जो अब तक समझ में आया कर्म अपने को वही करने हैं, अच्छे कर्म, धर्म के कर्म, पुण्य के कर्म, सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हमें कुछ प्राप्त होगा, सिर्फ ये सोचना है कि उधर कर्म से संयोग है और ये हो रहा है, बस ये सोचते हैं, ये नहीं मैं ये करूंगा तो ये प्राप्त होगा, ये नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं ये आज संयोग मिला है, उधर कर्म का उदय हुआ है और भी ये कर्म कर रहा हूँ, चाहे मंदिर का हो, अच्छा काम हो, कोई भी उदय कर्म संयोग आया है और हो रहा है, बस ये सोचते हैं। वो पहले आता था कि भगवान को प्रसाद बोलेंगे हमारा कुछ काम हो जाएगा, पहले भावना होती थी, अब ये कुछ नहीं आता, सिर्फ ये आता है संयोग आया है, इसका उदय कर्म का उदय हुआ है और कर लो, और ये पुरुषार्थ है या क्रिया है, ये क्रिया है वो उदय कर्म है, और क्रिया से करने वाले से मुक्त रहते हैं वो आपका दृष्टि का पुरुषार्थ है, इसको ज्ञान पुरुषार्थ कहते हैं, और
धर्म में क्रिया को पुरुषार्थ बोलते हैं, बस ज्ञान में सेपरेशन को पुरुषार्थ बोलते हैं, नॉन डुअलिस्टिक को पुरुषार्थ बोलते हैं, ज्ञान में क्रिया को पुरुषार्थ बोलते हैं, डुअलिस्टिक को पुरुषार्थ बोलते हैं। दोनों का पुरुषार्थ क्या है? क्रिया और डुअलिस्टिक दोनों चाहिए, क्रिया करने वाला चाहिए और मैंने क्रिया किया वो मानना भी पड़ेगा, तभी वो धर्म में पुरुषार्थ कहेंगे। और यहाँ क्रिया को उदय कर्म कहते हैं और क्रिया करने वाले से आपको अलग रहना है। तो ही आपका पुरुषार्थ है, तो ही आपका सही पुरुषार्थ है। कर्म ही मानते हैं, यदि कर्ता भाव के साथ है तो पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, तो अज्ञान पुरुषार्थ है। अज्ञान पुरुषार्थ का मतलब होता है धार्मिक पुरुषार्थ, कि मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने पूजा किया, वो अज्ञान पुरुषार्थ है जिससे पुण्य बनेगा। उदय कर्म बोलने से नहीं होगा, समझ में अकर्ता भाव के साथ। उदय कर्म भाव से अपन अकर्ता ही है, ऐसे संयोग है वही हो रहा है, अपन कर्ता नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने कहा ना, विज्ञान को समझ 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 के करूंगे तभी मालूम होगा, एकदम से चमत्कार नहीं होगा। ये अभ्यास की बात है, ये नॉलेज की बात मैंने बोल दिया और आपने जान लिया, कल से अनुभव होगा, ऐसा नहीं होता है। इसको दृष्टि में बार बार सेट करना पड़ता है, बार बार सेट करना पड़ता है और वही दृष्टि को फिर उपयोग करना है। इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि यदि कोई भी सचदार क्रिया करने के बाद यदि राग द्वेष होता है तो इसका मतलब अपन ने उसको कर्ता भाव से किया, ऐसा मान सकते हैं या उसमें अलग राग द्वेष किसको कहूंगा? एग्जांपल, कोई भी क्रिया की तो मैंने अच्छी की या मैंने बुरी की, उस क्रिया करने के बाद में यदि ऐसा होता है तो इसका ये मान सकते हैं कि भाई ये मैंने कर्ता भाव के साथ किया या अकर्ता भाव के साथ किया? क्रिया करते समय जो राग द्वेष होता है वो तो उदय कर्म है, करने के साथ जो, क्योंकि उदय से ही राग और द्वेष से क्रिया होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे को खाने खाने से बहुत आनंद आ गया, तो कोई कहेंगे आपको राग हो गया, मेरे को ये पसंद नहीं है, तो लोग कहेंगे द्वेष है। मगर ये राग और द्वेष दोनों उदय कर्म है। इसमें अगर अंदर से मानूंगा कि मैंने किया है तो फिर वो अज्ञान पुरुषार्थ है, मगर अंदर से आप अलग रहोगे और बाहर कहोगे कि मेरे को ये पसंद है और मेरे को ये पसंद नहीं है, तो दोनों उदय कर्म है। मगर अंदर से जुड़ गए तो अज्ञान पुरुषार्थ हो गया, वो तो तो फिर जीवित जीवित राग द्वेष हो गए। नहीं, मैं कह रहा था कि हमने जो काम किया वो अकर्ता भाव, जाएगा जाएगा। हमने कुछ भी किया वह अकर्ता भाव से किया या कर्ता भाव से किया, हमारे समझ तो अंदर काम करती है उसमें, और उसके रिजल्ट से कुछ ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि भाई ये कर्ता भाव के साथ हुआ या अकर्ता भाव के साथ हुआ? रिजल्ट तो रिजल्ट ही है। बाहर राम युद्ध करेंगे, लाखों लोगों को हिंसा करेंगे, तो भी वो मनोवचन का ऐसे 100% मुक्त है, कर्मबंध नहीं होता है, वही अवतार में मोक्ष में जाता है। तो बाहर की क्रिया से कैसे मालूम होगा कि उनको द्वेष था कि नहीं? इतने लोगों को मार दिया फिर भी 1% द्वेष नहीं, क्यों? क्योंकि वो राम से ही मुक्त था। फिर राम क्या करता है वो उनका सब्जेक्ट ही ना, राम खुश था ना खुश था, राम हिंसा करता था, राम किसी से प्रेम करता था, मतलब ही क्या है? अगर मैं राम नहीं हूं तो फिर राम क्या करता है वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, और इसीलिए राम की क्रिया के आधार से मेरे को राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि मैं राम नहीं हूं, ना मैं राम हूं, ना ही मैं राम को चलाने वाला हूं, तो फिर मैं जिम्मेदार भी नहीं। मगर मैं राम हूं और राम को चलाने वाला हूं तब तो मैं जिम्मेदार नहीं। पर राम को यदि राग द्वेष होता है ना, तो इसका मतलब उसका ज्ञान का एप्लीकेशन कच्चा है। नहीं, राम को राग द्वेष होगा मगर राम तो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल राम से तो कर्म थोड़ी बनता है, अंदर प्रतिष्ठित आत्मा उसे जुड़ जाता है तभी कर्म बनता है। बाहर का राम जो भी करता है, जो भी मानता है,
वो युद्ध भी करता है, सीता से प्रेम भी करता है, मगर प्रश्न ये नहीं कि राम क्या करता है, प्रश्न ये कि मैं राम हूं कि नहीं, तो कि मैं नहीं हूं। प्रश्न ये कि राम को मैं चलाता हूं तो कि नहीं चलाता हूं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी कहां आई? वो नहीं, राम ने जो कुछ किया उसके बाद में उसको जो भी राग द्वेष होता है वो बात कर रहा हूँ। जैसे राम ने रावण के साथ युद्ध किया, युद्ध करने के बाद में उसको उसके प्रति राग होता है या द्वेष होता है उसके परिणाम स्वरूप में, उसके बारे में मैं पूछ रहा था। वही मैं कहता हूँ कि अगर राम ने रावण के साथ युद्ध किया और अंदर अंदर वो तन्मयाकार हो गए, अंदर से तन्मयाकार हो गए, तो फिर कर्म बनेंगे, आप समझे ना? मगर तन्मयाकार नहीं होंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। प्रश्न मैंने बार बार कहा है, मन वचन काया की क्रिया से कर्म बंध नहीं होते हैं, कर्म बंध भाव से होते हैं, अज्ञान से होते हैं। और भाव और अज्ञान वो प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट है, मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है। वो मैंने बार बार लाइन ऑफ डिमार्केशन बताया, बार बार बताया लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये राग द्वेष जो है वो अज्ञानता का ही परिणाम नहीं है क्या? राग द्वेष जो अभी हो रहा है वो डिस्चार्ज है, मारा मारी करते हैं वो भी डिस्चार्ज है, तो राग द्वेष डिस्चार्ज नहीं है। शादी करते हैं वो भी डिस्चार्ज है, बच्चे पैदा करते हैं वो भी डिस्चार्ज है, आप समझे कि नहीं? डिस्चार्ज का मतलब होता है मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो डिस्चार्ज है। फिर वो क्या करता है वो सब्जेक्ट ही नहीं है ना। पूरा पैकेज को क्या बताया? डिस्चार्ज। पहले तीन बात बताई, मन वचन काया। वचन तो हम जानते हैं जबान, काया जानते हैं क्रिया, और मन का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको अंतस्करण बोलते हैं, स्पीच और एक्शन को बाह्यकरण बोलते हैं। ये तीनों डिस्चार्ज है। क्या है? मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में भी जो प्रोसेस होगी इसके आधार से स्पीच निकलेगी, इसके आधार से एक्शन होगी, ये तीनों बातें डिस्चार्ज है हर जीव के। ये तीन बात के अंदर अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठा करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, अगर इससे जुड़ गया तो फिर नया कर्म, पर इससे अलग रहा तो कोई भी कर्म नहीं बनेगा। फिर क्या किया वो प्रश्न नहीं। प्रश्न ये कि जो जड़ है, क्या बताया, उसमें मिश्र चेतन जुड़ जाता है तो कर्म चार्ज होता है। जड़ खुद कर्म चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जड़ कर्म की भुगतान का साधन मात्र है। तो मन वचन काया की तीनों अवस्था जड़ है। जड़ का मतलब होता है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल करने वाले खुद कर्म नहीं बना सकते, मगर जो मिश्र चेतन है प्रतिष्ठित आत्मा, अगर वो मैकेनिकल के साथ जुड़ गया तो फिर नया कर्म बनेगा। तो बाहर जो राग द्वेष दिखते हैं वो तो उदय कर्म है, वो तो रामकृष्ण महावीर को भी थे। बाहर तो राग द्वेष होते हैं ना, वो तो उदय कर्म थे। कोई कोई कहेंगे राम को कि ये कौन है, तो बोला सीता है। सीता कौन है? तो कि मेरी धर्म पत्नी है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो क्या उसको राग हो गया? वो कहेंगे कि ये बच्चे किसके हैं, लव कुश? तो बोला मेरा बच्चा है, तो राग हो गया इसका। बोला रावण ने मेरी पत्नी को उठा लिया तो इसलिए मैं युद्ध करूंगा, तो ये द्वेष है। वो राग द्वेष है मगर वो निकलता हुआ है। क्या है? इससे नए कर्म नहीं बनेंगे, मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा, जो मिश्र चेतन है, वो मैकेनिकल भाग से जुड़ गया तो फिर नया कर्म बनेगा। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई।
क्या हो गए? वही अवे रहना। और इसीलिए मैंने कहा है साइंस के अंदर विजन का परफेक्शन चाहिए, एकदम परफेक्शन, गोल गोल नहीं चलेगा, कंफ्यूजन नहीं चलेगा, एग्जैक्टनेस चाहिए। तभी तो मैं कहता हूं लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए, और हम चीठी बजाते या बोलते हैं तो उसके पीछे कोई राज तो होना चाहिए ने? तो कि हमारे अंदर अज्ञान है तो चीटी नहीं मारते है, तो विराग द्वेष होंगे तो कर्म बनेंगे, और वो मारा मारी करते थे, अज्ञान नहीं था, राग द्वेष नहीं था, इसीलिए मोक्ष में गए। तो बाद में प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना कि इतनी हिंसा करके मोक्ष में क्यों गए, क्योंकि उस पर अज्ञान नहीं था। तो अज्ञान नहीं था तो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं था, तो फिर उसको जुड़ने का प्रश्न है ही नहीं। हमारे अंदर अज्ञान है तो हम कभी भी जुड़ सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि है। राम के अंदर तो प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं था, क्योंकि लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, इसके अगले बर्थ में होता है, फिर अज्ञान खत्म हो गया। तो इसका रोल अभी मन वचन का आया तो कुदरत रचना है, और कुदरत रचना खत्म हो गई तो आत्मा कहाँ जाएगा? अभी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, अज्ञान चला गया और क्या पुरुषार्थ करना है, अज्ञान चला गया और लास्ट बर्थ में आत्मा का स्पष्ट वेदन माता के गर्भ में से हो गया, अभी पुरुषार्थ क्या करना है, कोई करना नहीं। फिर मन वचन क्या क्या करता है वो सब्जेक्ट नहीं। तो जैसे जैसे विज्ञान समझो के वैसे वैसे मानो, जागरूकता रखनी है, अभ्यास करना है, वही तो। और तीर्थंकर क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, जागृत रहते हैं, और क्या करना है? वो तप जप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप समझे ना स्वामी जी? भगवान राम को, महावीर स्वामी को ये ज्ञान कहाँ से मिला? जैसे आज आप अपना साइंस हमारे से शेयर कर रहे हो, तो उनको ये सब चीज, ये चीज कहाँ से मिली? अगले अवतार में ज्ञानी मिले होते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, तीर्थंकर मिलते हैं, अगले अवतार में सबको मिलते हैं, राम को भी मिले थे, लास्ट बर्थ में तो नैमिनाथ थे, कृष्ण भगवान के लिए नैमिनाथ थे, राम के समय तो और कोई तीर्थंकर थे, मैं भूल गया, चंद्र प्रभु ऐसा कुछ नाम भी मानो, चंद्र प्रभु थे और कृष्ण भगवान के समय नैमिनाथ थे। हाँ, तो ऐसा है, ज्ञान देने वाला तो चाहिए ना, बिना ज्ञान के ज्ञान कैसे मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलता है, ऐसा नहीं। हमको भी कई अवतारों से मिले हुए हैं ज्ञानी, तो मतलब ज्ञान धीरे धीरे खुला होता है, एकदम तो नहीं होता है, चमत्कार तो होता नहीं है। महावीर भगवान को भी ऋषभदेव मिले थे, 27 भाव पहले भगवान महावीर को दादाजी के रूप में उनको ऋषभदेव भगवान मिले थे, तीर्थंकर के रूप में, जिनका आयुष्य बहुत लंबा था, बराबर के नहीं, फिर भी मिलने के बाद भी भगवान महावीर के 27 अवतार हुए। इनके पिताजी भरत चक्रवर्ती, इनको भी केवल ज्ञान हुआ था, बराबर है कि नहीं? इनके सभी शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त करके, जो उनके लड़के थे, सभी को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष में गए, मगर महावीर नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थंकर मिलने से ही केवल ज्ञान होगा, ये बात जरूरी नहीं। तीर्थंकर मिलने से हो सकता है मगर कंपलसरी नहीं। ऐसा जब गुरु जी ये मुक्ति और मोक्ष इसका भावार्थ एक है या अलग है? मुक्ति और मोक्ष इन दोनों का भावार्थ एक ही है या अलग है? मुक्ति शब्द प्रोसेस को बोला जाता है,
और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति से जो प्राप्त हुआ वो मोक्ष है। यहाँ अज्ञान से मुक्ति मिली वो मुक्ति है, और जन्म मरण से मुक्ति होती है तो मोक्ष होता है। बाद में जन्म मरण होता है नहीं, पहले अज्ञान से छुटकारा पाना है। किसके पाना है? तो वो पहली मुक्ति है। मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, मैं मन वचन काया की क्रियाओं से मुक्त हूँ, मैं मन वचन काया के भुगतान से मुक्त हूँ, मैं मन वचन काया के जुड़े हुए हिसाबों से मुक्त हूँ। तो पहले अज्ञान से मुक्ति पाऊं। अज्ञान क्या है? मैं ही मन वचन काया हूँ, मैं ही उसको चलाता हूँ, ये जो भुगतान करता है वो मैं ही करता हूँ, ये जो सोचता है वो मैं सोचता हूँ, ये जो बोलता है वो मैं बोलता हूँ, ये जो क्रिया करता है वो मैं क्रिया करता हूँ, बस ये सब अज्ञान। मैं तो अभिमान हो गया, मैं तो अभिमान हो गया। नहीं, वो तो सब लोग मानते हैं ना। अभिमान का सवाल क्या है? मैं करता हूँ, ये मैं करता। लोग कहता है कि किसको विचारा है? बोला मेरे को विचारा है। किसने बोला? मैंने कहा। नहीं कहते ये किसने किया? मैंने किया। ये तो कॉमन बात है इन आवर सोसाइटी। सब लोग कहते हैं मैंने किया, आपने किया, आपने किया। वही तो अज्ञान है। पर वो अज्ञान है ना, बोलते व्यवहार से, पर अंदर तो मानते हैं ना, इसीलिए अज्ञान है। इसीलिए उनको तो ज्ञान नहीं है, सेपरेशन नहीं है। तो जो बोलते हैं वही वो मानते हैं, तभी नया बंधु, वही तो अज्ञान है। तो इसीलिए पहले अज्ञान से मुक्ति वो पहली मुक्ति, और जन्म मरण से मुक्ति वो अंतिम मुक्ति। तो अपने शरीर के अंदर आत्मा है, और लोग कहते हैं आत्मा स्वयं परमात्मा है। तो आत्मा अपने शरीर के अंदर है, तो अपने क्या ध्यान लगा के उस आत्मा के जरिए अपने मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा ही परमात्मा है, मगर आत्मा वो दृष्टि है और परमात्मा वो अनुभूति है। क्या है? अनुभूति। बस अनुभूति हो गई, फिर मैं आत्मा हूँ बोलने की जरूरत या मानने की जरूरत या जागृति की जरूरत नहीं है। मगर जहां तक अनुभव नहीं हुआ, वहां तक बार बार मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं सोचने वाला नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, आप समझे ना, मैं क्रिया करने वाला नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को भुगतान करने वाला नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी परमात्मा नहीं हुआ। मगर अनुभव हो गया फिर बाद में बोलने की जरूरत नहीं। तो आत्मा हूँ वो दृष्टि है, और परमात्मा है वो अनुभूति है। तो आत्मा ही परमात्मा है, मगर अनुभव नहीं है तो वो आत्मा है, और अनुभव है तो परमात्मा। वो दो नहीं है, एक ही है। देखो सिद्धांत ऐसी बात है, आज कहूंगा या तो 5 साल पहले कहा है और 5 साल के बाद कहूंगा, सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं। श्रद्धा की बात, मान्यता की बात परिवर्तन हो सकती है, वो समय संजोग के अधीन है, मगर सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं। वो समय संजोग के अधीन नहीं है, वो तो शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है। सिद्धांत शाश्वत है, मगर व्यवहार ज्ञान वो समय संजोग के अधीन है। आप समझे ना, कोई कहते हैं आप जैन हो के पूजा नहीं करते हैं, बोला नहीं हर रोज करते हैं, तो बोला एक वीक से तो मेरे को देख, मैंने आपको नहीं देखा, तो क्या करोगे, फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर कंप्लेन करेगा? तो संजोग के अधीन, आप समझे कि नहीं? बोला आपने अट्ठे किया था, फिर खाना क्यों खाया? बोला 4 दिन हुआ है अट्ठे हुआ, फिर चक्कर आया गिर गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको लो बीपी हो गया, खाना खाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो संजोग के हाथे क्या करोगे? तो व्यवहार सत्य और धार्मिक बातें सब संजोग के, मगर सनातन सत्य तो कभी परिवर्तन नहीं होता है। आप समझे ना?
हर बात में ऐसा होता है, हर काल में हर समय बस। लोग कहते हैं तुम रोज आरती करते हो, बोला रोज आरती करता हूँ। बोला दो दिन से तो तुम्हारे घर से आवाज नहीं आई, कैसे आएंगे भाई, हम घर में थे ही नहीं, तभी क्या करेंगे। तो संजो आए ना संजो, तो क्या करोगे, तो उसमें कोई सिद्धांत थोड़ी है। और इसीलिए ज्ञानी कहते संजोग के आदिन जो होता है वो पुरुषार्थ वो उदय करना है, मगर हम मानते हैं अज्ञानता से कि ये पुरुषार्थ है। बोला राम कृष्ण महावीर की आरती करो तो परिणाम है, सिमंदर स्वामी आरती करो तो पुरुषार्थ है। नहीं समझ में आया, ये विज्ञान है कि श्रद्धा है? श्रद्धा है, विज्ञान है कि श्रद्धा है? आरती में ऐसा बोलते हैं कि जिसकी आरती आप करते हो ना वैसे गुण आप में प्रकट होते हैं। वो छोड़ कर ना, वो रिलेटिव सब के बात है। प्रश्न करते हो, प्रश्न आरती करना सही है गलत है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आरती किसकी करते हैं वो भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहोगे कि तुम राम की आरती करते हो महात्मा हो के, तुम कृष्ण की करते हो, तुम महावीर की करते हो, तुमको उसकी आरती नहीं करना चाहिए, तुमको सिमंदर स्वामी की आरती करना चाहिए, तो ये फॉर्मेट है या प्रिंसिपल है? फॉर्मेट ही है। जैन लोग महावीर की करेंगे, वैष्णव लोग कृष्ण की करेंगे, ब्राह्मण लोग शिव की करेंगे, तुम सिमंदर स्वामी की करोगे, तो फॉर्मेट हुआ ना। इसमें सनातन सत्य कहाँ आया, इसमें कुदरत का कानून कहाँ आया, बताइए। ये आपका व्यू पॉइंट है और ऐसे हर व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं है, तो फिर तुम तो फॉर्मेट की तो बात करते हो और कहते विज्ञान है। विज्ञान में फॉर्मेट नहीं आता है और फॉर्मेट में विज्ञान नहीं होता है। बात एक ही हुई ना, बात एक ही हुई ना, आप जिसको भगवान मानते हो इसकी आप आरती करते हो, तो हम जिसको भगवान मानते हैं उसकी हम आरती करते हैं, तो फॉर्मेट ही हुआ। और इसीलिए अध्यात्म में कहते हैं आत्मा ही परमात्मा, तो और किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। दृष्टि से व्यवहार से किसी को भी मान सकते, वो आपका उदय कर्म है, वो आपका कुल धर्म है। क्या है वो कुल धर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, कुल धर्म इसका है, पैदा ये हुआ है तो कुल उसका है, और धर्म भी वो करता है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो करता है, ये जो मानता है कि महावीर मेरा भगवान है, इसको मैं भगवान मानूंगा, तो वो मेरा रिलेटिव सत्य का अज्ञान है। आप समझे, ये भले महावीर को भगवान माने और भगवान की पूजा करे, मगर मेरे को मानना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा ही परमात्मा है, शुद्धात्मा ही चेतन है, शुद्धात्मा ही अविनाशी है, और शुद्धात्मा के पास ही सर्व प्रकार की अनंत शक्ति है। तो मेरे को ये जो मानते हैं भगवान, इसको मेरे को मानने की जरूरत नहीं, और जो मानता है इसको बंद करने की भी जरूरत, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, आप सिंपल समझ लो, ये मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर वो क्या करेगा क्या नहीं उसको दुनिया कहेंगे, मगर मेरे को दुनिया देखती भी नहीं है और कहती भी नहीं है। बराबर है कि नहीं? इसमें क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मेट विज्ञान को सपोर्ट कर सकता है लेकिन वो विज्ञान नहीं, फॉर्मेट विज्ञान को सपोर्ट नहीं करता है। फॉर्मेट जो है वो प्रकृति से पालन करने का धर्म है। क्या बताया, अगर फॉर्मेट को पुरुषार्थ मानोगे तो फिर अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रिया से पुरुषार्थ होता है। फिर आ गया फॉर्मेट, दुनिया के हर धर्म यही कहते क्रिया को क्रिया से पुरुषार्थ है, आप भी मानते हो क्रिया से पुरुषार्थ है, तो आप दोनों तो एक ही बिलीफ वाले हैं। पात्र बदलने से सिद्धांत तो नहीं बदलेगा,
कोई कहता है कि मैं प्रमुख स्वामी की आरती करता हूँ, तुम कहते हैं कि मैं दादा भगवान की आरती करता हूँ, ये कहेंगे कि मैं मुरारी बापू की आरती करता हूँ, तो वो तो फॉर्मेट हुआ ना। इसमें सनातन सत्य कहाँ आया बताइए। परंतु जो जो अज्ञान से मुक्त होकर जो ऐसी दृष्टि को उपयोग में लाते हैं उनकी आरती है। आप समझे नहीं, मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि आप महावीर की भी आरती करो कोई मना नहीं है, शिव की भी करो कोई मना नहीं है, कृष्ण की भी करो कोई मना नहीं है, दादा भगवान की भी करो, सिमंदर स्वामी की करो, किसी भी की करो, मना नहीं है। सिद्धांत ये है कि आरती करने वाला जो आरती करता है ये उसका उदय कर्म है, उससे मैं मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। प्रश्न करना ना करना नहीं है, प्रश्न आपके पास दृष्टि क्या है वो इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट साइंस में नहीं है। धर्म में एक्शन इंपॉर्टेंट है, साइंस में विजन इंपॉर्टेंट है। एक्शन तो स्वामी जी इसमें तो फिर एक थोड़ा सा दिक्कत पैदा होगी, इसमें तो थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाएगी। बोलिए। ये फिर मैं देख रहा हूँ, ये फिर एक तरफ तो ये है कि उदय कर्म पैदा होता है और दूसरी तरफ साइंस ये कहता है कि भाई आपको ये करने की जरूरत नहीं रियल स्वरूप में, ठीक है ना, तो फिर तो ये धर्म और ये सब कम हो जाएगा। नहीं नहीं आप समझेंगे, साइंस कभी ये नहीं कहेगा कि आप ये करो ये ना करो, ये दोनों सब्जेक्ट साइंस का है ही नहीं, क्योंकि साइंस स्पष्ट कहता है मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो 100% उदय कर्म है। फिर साइंस क्यों कहेगा आप ये करो या ना करो, क्यों कहेगा? प्रिंसिपल में नहीं है। फिर जिस तरह से सारी क्रियाएं उदय कर्म है तो सवाल ही नहीं आ गए, दूसरे काम भी आ गए, सब आ गया, कोई भी सवाल ही नहीं। मैंने कहा मैं साइंस में कंफ्यूजन है ही नहीं। अभी मैंने इसीलिए कहा कि साइंस को समझना नए व्यक्तियों के लिए इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि इस एंगल से न हमने कभी सोचा है न कभी समझा है और न ही इस प्रकार की दृष्टि को बनाने की हमने कोशिश किया है। तो इसीलिए सिर्फ आप मेरे मुखारविंद से साइंस सुनोगे और साइंस तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। आपके अंदर जो विजन सेट हुआ है कि बिना किए हुए तो कुछ हो सकता है, बिना किए हुए तो कुछ हो सकता है, ऐसी जो आपकी मान्यता है इसको ब्रेक करने में बहुत समय लगेगा, ये साधारण बात नहीं है। तो ज्ञानी बनना, विज्ञानी बनना, साइंटिस्ट बनना वो कोई साधारण बात, धार्मिक बनना तो आसान है, साइंटिस्ट बनना आसान नहीं है, क्योंकि सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। क्या बताया, श्रद्धा की बात फिर नहीं आएगी, आप समझे ना। विज्ञान तो सिद्धांत से चलता है, श्रद्धा से नहीं चलता। शास्त्रों वो साधन है, क्या बताया, शास्त्रों वो साधन है और साधन को किसी तरह उपयोग करना वो साइंस है। वो साइंस नहीं जानने से अनंत अवतार हम भटक भटक कर रहे हैं। शास्त्र वो साध्य नहीं है, साधन है। क्या बताया, साधन। और ये मन वचन काया भी क्या है, तब जब करते वो भी क्या है और साध्य क्या है, आत्मा। तो साधन कोई भी हो मगर जब साध्य को लक्ष्य में रख के बिना साधन का उपयोग करते हैं ये सब रिलेटिव सत्य है।
जिससे पाप और पुण्य बनेंगे। साध्य को लक्ष्य में बिना रख के साधन करोगे तो, और साध्य को लक्ष्य में रख के साधन करोगे तभी मालूम हो जाएगा आपको कि साध्य तो शुद्धात्मा है और साधन ये प्रकृति में पाया हुआ धर्म है, क्रिया है। तो क्रिया को बाधा नहीं है क्योंकि वो तो साधन है और साधन साधन करता है, इसमें मेरे को दिक्कत क्योंकि मैं तो साध्य हूं, मैं साधन नहीं, फिर क्या तकलीफ है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये विज्ञान समझने में इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी ज्ञानी के परिचय में रहना पड़ेगा, ये विज्ञान बिल्कुल अपने विजन में सेट करने के लिए। सुनना है तो कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, मगर सुनना नहीं है, सेट करना है, तो बार बार एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि विज्ञान सुना तो है, पढ़ा भी है, मगर विजन में सेट नहीं हुआ, तो बार बार वही गलती हो जाती है, बार बार वही गलती हो जाती है। इतना सुनने के बाद अनुभव नहीं होता अभी। नहीं, क्योंकि अभी विजन में सेट नहीं हुआ है, आपने सुना तो है मगर विजन में सेट नहीं। जो लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं वो नहीं आती है, नॉलेज है, तो आत्मा किसको कहेंगे, कुदरत किसको कहेंगे, कुदरत के कानून किसको कहेंगे, प्रारब्ध किसको कहेंगे, कर्म किसको कहेंगे, कर्म फल सब कुछ आता है नॉलेज के रूप में, मगर विजन के फॉर्म में नहीं है। विजन का मतलब होता है सेपरेशन। जैसे कि कोई कहेंगे कि भी मैं हर रोज सिमंदर स्वामी की आरती करता हूँ सुबह शाम और मेरे को पक्का मोक्ष मिलने वाला ही है, जैसा ही वो बोले और आपको कान को सुनने में आए तुरंत मालूम होना चाहिए आपको बिना कुछ बोले ये उदय कर्म है। अगर उसकी बात में लपेट में आ गए फिर कल से बोलेंगे मैं भी शुरू करूंगा, क्योंकि क्रिया को पुरुषार्थ मानने लगे और विज्ञान फिर कहते हैं मेरे को विज्ञान मालूम है फिर भी क्यों प्रगति नहीं होती, कैसे प्रगति होगी, मालूम विज्ञान है और उपयोग करते हैं क्रिया का, तो फिर क्या होगा। यानी क्रिया को आप पुरुषार्थ मानते हैं और समझ में विज्ञान है, मतलब क्या हुआ, जो विज्ञान की समझ है इसके उपयोग तो करते नहीं है, तो फिर अनुभव कैसे होगा, उपयोग तो वही पुराने अज्ञान का करते हो। कोई महात्मा खड़े होके बोलेंगे जाहे सत्संग, कभी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि भी खड़ा होके आपका अनुभव बताओ, बोलते हैं। तो फिर एक महात्मा खड़ा हो गया, उन्होंने बोला कि आप तो पुत्र साहेब, एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई ने मेरा पैसा ले लिया, वो वापस नहीं देता था, क्या नहीं करता था, फिर मैंने तो तय कर दिया अभी वो देंगे या नहीं देंगे, मगर मैं एक कल्ला कीर्तन भक्ति बोलूंगा, क्या करूंगा, तो एक कल्लाक में कीर्तन भक्ति बोलता था, एक महीने के अंदर पैसा वापिस आ गया, सुनने वाला क्या कहेंगे, क्या मानेंगे, बोलिए ना, बराबर है। तो कीर्तन भक्त से मोक्ष से कोई कंसर्न है, बोलते नहीं है, और अनुभव किसके लिए बताया, आत्मा के लिए। तो देखो आप, जहां आत्मा से कोई कंसर्न ही नहीं है, मगर मानने वाले यही मानते हो, कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा अनुभव है, लोग तालियां लगाएंगे। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, कोई सोचता है ही नहीं। ये सब कुछ संजोगों से मैं पास हो चुका हूं, ये मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं सब कुछ संजोग में से पास हो चुका हूं, मगर उस समय मेरे को खटकता था कि ये क्या है। जब मेरे को संघ ने बताया कि आप आपका अनुभव लिख के भेजो, वो किताब बनानी थी अनुभव की किताब,
तो मैंने बोला मेरा अनुभव तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो अनुभव लिखूंगा वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा एक पूरी किताब में। तो बेटर में नहीं लिखू, तो कम से कम माहौल तो बना रहे किताब का, नहीं तो उल्टा हो जाता है। पर जरूरत क्या है अपने को, तो ऐसा है। तो हमको पहले मालूम होता था, कई सालों से मालूम था, मगर क्योंकि एनवायरमेंट था तो मैं जो कहना चाहता था वो नहीं कह सकता हूं, आप समझे ना, नहीं तो वहां से गड़बड़ हो जाती है। मेरे को जितना बोल सका इतना तो मैं पब्लिक में बहुत बोल चुका हूं, वहां के सत्संग में भी बहुत, मगर फिर भी क्या होती है, लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशन आ जाती है। अभी मैं मुक्त हूं और आज मुक्त हूं तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये साइंस सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं साइंस के अलावा कोई बात नहीं करता हूं, आप समझे। तो सबका अपना अपना एक समय होता है, समय होता है। प्रार्थना कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।